राम राम गाइस, मैं सरुचि शर्मा आप सबका अपने ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज है रविवार और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह 12 बजे। गाइस, सारी सफाई करने के बाद मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ। देखो, मैंने गार्डन की भी सारी सफाई कर दी और सारे प्लांट्स की ना मैंने पोजीशन भी चेंज कर दी है। ये देखो, यहाँ पर मैंने मिर्ची का पौधा रख दिया। यहाँ इस प्लांट का ना नाम नहीं पता मुझे क्या है, मनी प्लांट देखो अच्छा ग्रो कर रहा है। ये ऊपर पड़ा है बैंगन का पेड़ और यहाँ पे है बाकी प्लांट्स और थोड़ा सी प्लांट्स मैंने इधर भी रख दिए हैं, ये विस्कस का और वो पुदीना का। और कमरे की भी मैंने पूरी तरह से सफाई कर ली है। बस ये मैंने कपड़े धो लिए थे कल को ही ना और ये सूख गए हैं, अब मुझे इनको करना है प्रेस। एज ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, ब्रेकफास्ट में ना हमने दलिया बनाया था और अभी मैंने बनाए हैं काले चने, बॉयल हो गए हैं। बस मैं अब इनको लगाऊंगी तड़का और उसके साथ देखती हूँ हस्बैंड जी को चावल खाने हैं या रोटी खानी है। वैसे तो वो चावल ही पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं उन्होंने चावल भी नहीं खाया, तो वो चावल के लिए ही बोलेंगे। चलो, जब तक वो आते हैं तब तक देखते हैं कि क्या बनता है और वो क्या बोलेंगे बनाने के लिए। गाइस, बाहर ना बहुत तेज बारिश आने वाली है। ये देखो, खिड़की से दिखा देती हूँ मैं आपको ना, देखो 1 मिनट में ही काले काले बादल हो गए हैं। और इधर रख दिए मैंने कढ़ाई चने को तड़का लगाने के लिए। चने चने चने। गाइस, एक बात बताऊं आप लोगों को कि आज ना मेरी किचन में बड़े दिनों के बाद तड़का लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड जी बीमार थे तो बस हम उबला हुआ ही खा रहे थे, बट आज करीबन 2.5 हफ्तों के बाद मैं अपने किचन में किसी सब्जी को तड़का लगा रही हूँ। गाइज, ये चने बनके हो गए हैं रेडी, बिना टमाटर के बनाए हैं ये मैंने चने। और इधर रख दिए मैंने चावल बनने। गाइज, अभी टाइम हो चुका है शाम के 5 और हमने शाम की चाय पी ली है और अभी हमने 2 मूवीज भी कंप्लीट कर दी हैं, एक तो गदर 2 और एक तो ओ माई गॉड 2। बहुत ही, दोनों ही बहुत ही अच्छी मूवीज है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्लीज़ जल्दी से जाके देख लीजिएगा। और गाइस, कल ना मैं 2 सूट लेकर आई थी और उनको मैं अभी जाऊंगी टेलर के पास सिलने देने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन से 2 सूट लेके आई थी। एक तो मैं ये लेके आई थी, ये वाला सूट है, ये इसकी लाइनिंग है, ये है पूरा सूट मतलब शर्ट और ये है मतलब लोअर, मतलब जाए तो आप इसकी सलवार बना लो, बट मैं इसका प्लाजो बनाऊंगी वो भी फ्लेयर्स वाला। और ये है इसकी लाइनिंग, इसका दुपट्टा है मेरे पास, मतलब ऐसा मेरे पास एक सूट था वो मेरा थोड़ा ख़राब हो गया तो उसका दुपट्टा इसके साथ मैच हो जाएगा, तो एक सूट ये हो गया। और एक लेकर आई थी मैं ये पूरा ऑल ओवर सूट है मतलब, और इसका भी मैं सूट बनवाऊंगी और ये है इसकी लाइनिंग ऑल ओवर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सिलते हैं ये सूट। वैसे ना ये दोनों सूट ना मुझे बड़े ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गए हैं, मतलब कि दोनों जो है मतलब मिला के विद लाइनिंग ये सारा मेरे को 2,2200 रुपये का पड़ा है सारा, ही दोनों सूट मिला के जो है। और इसके साथ का ना मैं दुपट्टा भी लाई थी, मतलब दुपट्टा तो ऐसे ही मतलब 100 रुपये का दुपट्टा है, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है बट ठीक है डेली के लिए। गाइस, तो मैं जा आती हूँ अभी मार्केट, सब्जी भी लानी है और मैं इन सूटों को भी सिलने दे देती हूँ। देखो कैसा लग रहा है मेरे पे, वैसे कलर, ये कलर ना मैंने कभी पहना नहीं है और अच्छा ही लगेगा इसके साथ, इस कलर की या इस कलर की ना सूट में पाइपिंग लगवाऊंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा। मैंने ना इसका वैसे डिज़ाइन सोच रखा है कि मेरे को कैसे डिज़ाइन में सिलवाना है, तो जब ये सिल जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कैसा सिलवाया है। ये भी अच्छा ही लगेगा जब मैं इसको डालूंगी, सही रहते हैं वैसे ना ऐसे थान में से कटवा के जो मीटर के हिसाब से कपड़ा मिलता है वो बहुत ही सही रहता है, क्योंकि हम उसको ना मर्जी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सिलवा सकते हैं। बट जैसे अगर हम सूट लेते हैं तो हमें उसका सूट ही सिलवाना पड़ेगा,
हम उसका और कुछ नहीं बना सकते। बट अगर हम थान का कपड़ा लेते हैं ना, मतलब थान मतलब मीटर के हिसाब से कपड़ा लेते हैं, तो उसका हम कुछ भी सिलवा सकते हैं। गाइस मैं जा रही हूँ टेलर के पास सूट सिलने देने। मौसम देखो कितना शानदार हो रखा है, बारिश भी आने वाली है, जल्दी से मार्केट जा जाते हैं। ये ना हमारे बिल्डिंग के सामने वाली सड़क भी बन के तैयार हो रही है, बस हमारे आगे का थोड़ा सा हिस्सा बचा है। बारिश की वजह से सारा काम ये रुका हुआ था, पर शायद अब जल्दी ये बन जाएगा। मैं और पतिदेव हम जा रहे हैं मार्केट, वो भी अपनी धनों पे। हम पहुंच गए हैं मार्केट में, और मार्केट में गाइस बहुत ज़्यादा रश है। रश, आज संडे है ना, तो संडे में हर किसी को छुट्टी होती है और हर लोग मार्केट में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा रश है। और इंडिपेंडेंस डे की भी तैयारियाँ जोरों शोरों पर है, हर दुकानें सज चुकी हैं। सूट सिल के देखे अब हम चल पड़े हैं वापस सब्जी मंडी की तरफ। गाइस ये रोड देखो, ये हम जब भी इधर से आते हैं ना, ये कभी भी सही नहीं होता, ये बस टूटा फूटा ही होता है। अब हम जाते हैं सब्जी मंडी, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी ले लेते हैं। आज हम जाएंगे बद्दी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में। अरे बाइक की टायर, पिछले टायर पे हवा कम हो गई है, तो पतिदेव हवा भरवा रहे हैं, और हमारे पास आज खुले पैसे नहीं हैं, तो अब इसको कैसे करेंगे। 10 रुपये भी जी पे करने पड़ेंगे। अब पहुंच गए हम सब्जी मंडी में। गाइस देखो कितनी ज़्यादा रश है, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, एकदम से ही तड़ तड़ बारिश होनी शुरू हो गई है। मंडी में एंटर करते ही इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है कि मुझे लगता है अब हमें ना यहाँ पे किसी शेल्टर के नीचे रुकना पड़ेगा। अब ये मैं इसके, ये जो तिरपाल है, मैं इसके नीचे रुक गई, और बारिश देखो गाइस कितनी ही तेज़ है। गाइस मार्केट से हम वापस आ गए हैं सब्जी लेके, बारिश बहुत तेज हो रही थी पर फिर भी हम बचते बचाते आ गए। मार्केट से आकर अभी मैंने रखी है चाय, अब बनाती हूँ मैं अपने हाथ से एक बांकी सी चाय, और यहाँ मैंने दूध में से मलाई निकाल के रख ली है, आपको पता ही है। इसका बनाऊंगी मैं मक्खन, और पानी बॉयल हो गया है, मतलब पत्ती बॉयल हो गई है पानी की। अब मैं डालूंगी चाय का, चाय में दूध, थोड़ी थोड़ी चाय, और आज मैं बनाऊंगी डिनर में तुरई की सब्जी, जो मेरे पति देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या करे, बनानी तो पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और आजकल इनको ना हेल्दी चीज़ें ही खानी चाहिए, वो कहते हैं ना नो कॉम्प्रोमाइज़ विद हेल्थ। तैयार है मेरे हाथ की बढ़िया सी चाय। अब अगर इसको पहाड़ी में बोलना हो, पहाड़ी मतलब मंडियाली में बोलना हो, तो कैसे बोलेंगे। इब्बे तैयार है मेरे हाथा दी, हाथा री बांकी रही चा। आई थिंक मुझे मंडियाली थोड़ी थोड़ी आ रही है, कीप इट अप। गाइस बारिश हट गई है, और सारा व्यू जो है वो रेड रेड सा हो गया है, पूरा ही रेड रेड, देखो कितना प्यारा लग रहा है। पर ना मेरे को लग रहा है रात में ना बहुत ही तेज बारिश आने वाली है। यार पता नहीं भगवान जी के मन में क्या चल रहा है, हिमाचल में इतनी बारिश क्यों कर रहे हो भगवान जी, अब तो बस करो। गाइस तोरी को लगा दिया है मैंने तड़का, आज ना मैंने इसमें टमाटर भी डाले हैं। मार्केट गई थी तो मैं सब्जी भी लेके आई थी, तो टमाटर हो गए थोड़े से सस्ते, मतलब आजकल ना 100 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो मैं भी आधा किलो लेके आई थी। चल जब तक अभी सब्जी हो जाती है तब तक मैं गूंद लेती हूँ आटा। गाइस तुरई की सब्जी बन गई थी, अब मैं बना लेती हूँ चपातियाँ। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लगी है, बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि फ्लड ही ना आ जाए। गाइस हमने डिनर कर लिया है, अब मैंने रख दिया है अतिदेव के लिए दूध बॉयल होना, इनको दूध दे देती हूँ और फिर जाते हैं। सो मिलते हैं आपसे कल सुबह। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है गाइस, 4 बार हट चुकी है, और 4 बार ही इतनी तेज़ तेज़ से लग चुकी है बारिश। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 15 अगस्त, और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 9, और हम आज जा रहे हैं
इच्छाधारी मंदिर मानपुरा। खूबसूरत वादियों से होके गाइस हम चल पड़े हैं इच्छाधारी मंदिर की तरफ। ये यूनिकैम से होते हुए रास्ता मानपुरा में जाके मिलता है थाना पिंड से होते हुए, तो चल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की ओर। और ये रास्ता जा रहा है ऊपर पहाड़ी वाले मंदिर की तरफ, जहाँ पे भी एक दिन आपको लेके चलूँगी। गाइस आज मौसम थोड़ा साफ है, ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही बादल है, हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है। और हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, बस पहुँचने वाले हैं, अब थोड़ी दूरी रह गया है। गाइस हम पहुँच गए हैं इच्छाधारी मंदिर के बाहर, अब आगे जाके थोड़ी दूर आगे जाके करेंगे बाइक पार्क, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह बनी होती है। लोग देखो मंदिर से कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आज छुट्टी है तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। और देखो सामने है बाबा इच्छाधारी का मंदिर, मेरा सामने बाबा इच्छाधारी का मंदिर। और हस्बैंड जी गए हैं बाइक को पार्क करने, इस साइड पार्किंग है, ये इस साइड पार्किंग है, तो वो गए हैं बाइक को पार्क करने। तो अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। चलिए अब करते हैं मंदिर परिसर में प्रवेश। यहाँ लिखा है फ़ोटो खींचना मना है, तो मैं आपको अंदर का व्यू तो नहीं दिखा पाऊँगी। गाइस हमने माथा टेक लिया है और माथा टेक के मन को बहुत शांति मिली। इस मंदिर में ना लोगों की बहुत आस्था है, यहाँ पे जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। गाइस हमने माथा टेक के अब चल पड़े हैं हम बद्दी की ओर, अपने कमरे की ओर, तो कमरे में जाके मिलते हैं आपसे। गाइस इस बार ना बारिश की वजह से बहुत ही नुकसान हुआ है, वो सामने पहाड़ी देखिए, पहाड़ी में सारा ही मलबा नीचे की ओर आ गया है, और भी बहुत ज़्यादा हिमाचल में और भी जगह पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मंदिर से वापस आ गए हैं और आकर मैंने लंच बनाया, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था हमने। और आते ही फिर ये पतिदेव बोल रहे थे कि आज ना तो मेरे को दाल चावल खिला दे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इन्होंने दाल चावल नहीं खाई है। तो आकर ही मैंने दाल बनाई है और चावल डाल दिए हैं उबलने। ये देखो गाइस ये मैंने दाल बनाई थी चने और मूंग सावत की मिक्स करके, और इसको ना मैं तड़का नहीं लगाऊंगी इसमें, जब मैंने बॉयल करी थी ना तभी मैंने इसमें प्याज टमाटर नमक हरी मिर्च डाल दी थी, मैं हल्दी डालना भूल गई थी। अब मैं इसको सिर्फ जीरे का शौंक दूंगी। अब इसमें हल्दी तो मैं ऐसे ऊपर से ही ऐड करूंगी और थोड़ी इसको गरम कर लेती हूँ। गाइस आप भी ऐसी दाल बनाना कभी अपने घर में ना, बड़ी बड़ी टेस्टी बनती है ये दाल ना, और बिल्कुल ही सिंपल, और आपको इसको खा के भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन से हम भंडारे की दाल खा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। और इधर मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है चावल। गाइस लंच करके मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी उठी हूँ, अभी उठ के चाय बनाई है और चाय बना के हम दोनों ने पी ली थी। और हस्बैंड जी गए हैं आज स्विमिंग पूल नहाने के लिए, तो पीछे से मैं फ्री थी तो सोचा क्या करूं, तो मैंने ना अपने सारे नेल पेंट्स निकाल दिए हैं, अब मैं इनको लगाऊंगी। ये देखो मैंने सारे रख लिए निकाल के ना, तो मैं इनको लगाऊंगी, टाइम पास के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोच रही हूँ ये लगाऊं इसके साथ कंबाइन करके, क्या बोलते हो? ये देखो गाइस मैंने लगा लिया नेल पेंट, कैसी लग रही है बताना आप। एक हाथ में लगाई है, अभी दूसरे में लगाऊंगी अभी इसमें। गाइस अब मैं कर लेती हूँ कपड़ों को प्रेस, प्रेस करने के बाद मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। गाइस मेरा खाना बन चुका है, अब खाना खा लेते हैं। गाइस हमने डिनर कर लिया है और अभी बज चुके हैं 10:30, तो अब करते हैं सोने की तैयारी। आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए सेफ रहिए। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, गुड नाइट।